फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ अपनी दिवाली की छोटी सी और ढेर सारी शॉपिंग दिखाऊंगी। बहुत दिनों से मैंने कोई शॉपिंग नहीं करी थी दिवाली की। पिछले बार भी हम लोग घर चले गए थे छठ पूजा के लिए, तो इस बार मैं जाने के पहले ही थोड़ी सी शॉपिंग कर ली, क्योंकि कुछ कुछ मुझे चेंज करना बहुत ज़रूरी था। और लाइट्स भी नहीं लिए थे पिछली बार, तो लाइट्स भी ख़राब हो गए थे। हर बार मार्केट में कुछ ना कुछ नया तो फेस्टिवल में आता ही है, तो हर बार तो इतना ज़्यादा शॉपिंग नहीं कर सकते, लेकिन थोड़ी बहुत तो कर ही सकते हैं। छोटी छोटी शॉपिंग मैंने की है, वो मैं शेयर करूँगी अभी आप लोगों से। तो सबसे पहले मैं लाइट दिखाऊँगी कि मैंने कौन कौन सी लाइट ली है। ये वाली लाइट तो अमेजोन से ऑनलाइन मंगवाया था सोहा ने, ये बहुत ही अच्छा है। पतला सा वायर है, लेकिन ये अच्छा लगता है। इस तरह से किसी बॉटल या लैंप सब में डाल दो तो ये काफ़ी सुंदर दिखता है। ये देखिए, इसने बॉटल में मैंने डाला है, इसको एक लैंप में भी डाल के रखा है। कैंडल की जगह मैंने इसको लगाया है रेड कलर का लैंप में, दिखाऊंगी वो भी जला के, बहुत सुंदर लगता है रात में। ये है, ये भी 155 का है और ये इंडियन लाइट है। इसमें भी ये बटरफ्लाई बना हुआ है, येल्लो, सारी येल्लो कलर की लाइट मैंने ली है। मुझे येल्लो कलर ज़्यादा पसंद है लाइट में, तो ये मैंने ये बटरफ्लाई जो था मैंने ये मनी प्लांट में लगा दिया, जैसे लग रहा है बटरफ्लाई हो पेड़ के ऊपर, इसलिए मैंने बटरफ्लाई को मनी प्लांट के साथ लगा दिया इस तरह से। ये तो नॉर्मल वाली ब्लिंक करने वाली लाइट है, ये मेरा ख़राब हो गया था तो इस बार मैंने ये लिया है फिर से। ये बहुत ख़राब हो जाता है जल्दी, तो एक ही लिया इस बार मैंने। ये वाली लाइट इस बार नई आई है, पिछली बार तो मैंने इतना सर्च नहीं किया था, लेकिन मुझे इस बार ये नया दिखा। ये भी येल्लो है, ये बहुत ही सुंदर है, ये भी इंडियन लाइट है। इसका भी रेंज वही है 230 का। देखिए इसको मैंने ये ग्रेप्स बॉल वाले लाइट, ये पुराने वाले लैंप के साथ मैंने लगा दिया, तो इसका गेटअप इतना सुंदर आ गया। ये वाली येल्लो कलर की लाइट है, इसका बल्ब भी येल्लो है और वायर काफ़ी इसका मजबूत है। ये बहुत ही अच्छा लगा मुझे, और ये काफ़ी 3 मीटर होगा, ये 230 का दिया मुझे। तो ये लाइट मुझे सारी लाइट में ये सबसे अच्छी लगी, और इंडियन लाइट है तो इसलिए मैंने इसको लिया। मुझे बहुत अच्छा लगा, पहले वो कांच वाला कोहिनूर वाला लिया था, इस बार ये नया दिखा मुझे, तो ये मैंने लिया, दो लिए। ये भी 150-40 कुछ ऐसे ही है, 300 में दो लिया। ये लालटेन है, ये लालटेन बहुत ही बढ़िया लगा मुझे, मुझे दो चाहिए था लेकिन एक ही मिला, तो मैंने ये एक ले लिया। इसके नीचे से ये होल है, इसको खोल दो इस तरह से, अंदर कैंडल डाल। ये बड़ा है, मुझे लगा छोटा सा, फोटो में तो छोटा ही दिख रहा था, और ये मुझे सिर्फ 50 रुपीज का पड़ा। पहले इसको मैंने ट्रे में रखा हुआ था, अभी इसी के लिए मैंने मंगवाया है। अभी इसमें तीनों चाय, दोनों पत्ती और ये चीनी आ गई। मैंने मेसो से मंगवाया था दूध ढकने के लिए, पतीले के लिए, ये जाली, ये चार, इसमें 4 पीस है, हर साइज का है, और ये 163 का था, तो मुझे रिजनेबल लगा, तो मैंने ये ऑर्डर कर दिया, अच्छा है। मैंने रनर लिया, ये रनर मोटा है, काफी ठीक है इसका कपड़ा इस तरह से। मैट मुझे अच्छा पसंद का नहीं मिल रहा था, तो मैंने ये सिंगल बेडशीट ले लिया, अभी मैट ये वाला लिया। ये जूट का है, ये कलर जूट धागे का है, और ये जूट वाली रस्सी जो आती है इस तरह से,
उसी का नेट से बना हुआ है, नेट डिजाइन है इसमें, तो अच्छा लगा, ये मुझे अच्छा लगा बहुत। पूजा के लिए, पूजा करते जाओ ना जब तो कम पड़ जाता है, ऐसे सब बोलेंगे कितना सारा इकट्ठा किया हुआ है। पुराना वाला ग्लास मेरा खराब हो गया था, और ये दिया मुझे बहुत ही अच्छा लगा, बिल्कुल सिंपल है लेकिन बहुत ही सुंदर है ये दिया, और नीचे बहुत ही गहरा है, बहुत घी आ जाएगा इसमें, काफ़ी देर तक जलेगा, इसको थाली पर रख करके ही जला सकते हैं, ये गर्म हो जाएगा, लेकिन ये सुंदर लगा मुझे तो मैंने ये दिया भी ले लिया पूजा के लिए। और मैंने लिया ये चुन्नी ली, तुलसी विवाह के लिए ले लिया, अभी बहुत सारे वैरायटी हैं तो मैंने बोला कि अभी ले लेती हूँ, बाद में वो छोटे वाले पतले वाले ही मिलते हैं, तो ये मुझे तुलसी विवाह के लिए थोड़ा चौड़ा तुलसी जी के लिए चाहिए था, तो ये मैंने लिया, दो लिए, एक इस तरह का लिया, ये और भी चौड़ा है, उससे कवर हो जाएगा पूरा पेड़ अच्छे से। ये मैजिक दिया मैंने पहले भी डाल रखा है लास्ट ईयर, इस बार दो बनाऊंगी, ये रेड कलर मिक्स कर दिया इसमें मैंने। लाइट को मैंने डेकोरेट किया है, अभी और कुछ कुछ बाकी है वो करूंगी, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।